अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, आज हम एक प्लाजो की कटिंग करना देखेंगे, जिसके लिए मैंने 2 मीटर का फैब्रिक लिया है, कॉटन का है। ये देखिए व्यूवर्स, इस फैब्रिक में डिज़ाइन जो है वो आड़े में बना हुआ है और जो दोनों सेल्वेजेस हैं वो खड़े में आई हुई हैं। यूजुअली हम लेंथ वाइज कपड़े को फोल्ड करते हैं और हमारा डिज़ाइन सही आता है, पर यहाँ पर अगर हम लेंथ वाइज कपड़े को फोल्ड करेंगे तो डिज़ाइन गलत हो जाएगा। ये देखिए, अगर हम आड़े कपड़े में बनाएंगे तो डिज़ाइन ये ठीक आएगा, और अगर खड़े कपड़े में बनाएंगे तो ये देखिए ये डिज़ाइन अच्छा नहीं दिखेगा। इसीलिए हम कपड़े को आड़े में बनाएंगे। यानी जो दोनों सेल्वेजेस हैं वो ऊपर नीचे आ जाएंगे, एक नेफे में और एक मोरी में, पोंचा जिसको कहते हैं। यहाँ पे हम पोंचा बनाएंगे। तो मेरे मेजरमेंट में प्लाजो की लेंथ, रेडी लेंथ जो है वो 38 इंचेस है, उसमें हम प्लस 3 ऐड करेंगे तो 41 इंचेस आ जाएगा। तो ये बिल्कुल 41 इंचेस एग्जैक्ट है, तो हमें इसमें से कुछ भी कट नहीं करना है। ये मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। यहाँ से हम नेफा बनाएंगे और इधर साइड से हम पोंचा बनाएंगे। ये बंद वाला साइड है और ये ओपन वाला साइड है। यहाँ से हम क्रॉच लाइन बनाएंगे और बंद वाले साइड से हमारी लेंथ रहेगी, उस साइड में हमारे पोंचे का मेजरमेंट आएगा। एक बार फिर से हम अच्छे से पूरी लेंथ देख लेते हैं। देख लीजिए, ये एग्जैक्ट 41 इंचेस आ रहा है। 1 इंच नीचे से फोल्ड करने में जाएगा पोंचे में, और 2 इंच में हम नेफा फोल्ड करेंगे तो 3 इंचेस एक्स्ट्रा हो जाएगा और रेडी लेंथ हमारी 38 इंचेस आ जाएगी। यहाँ से वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे हम नेफे का, तो मैंने 13 इंचेस लिया है। हिप राउंड का 1/4 प्लस 0.5 लूजिंग और 2 इंचेस एक्स्ट्रा ले रही हूँ मैं, और प्लस 1 इंच आप एक्स्ट्रा और ले लीजिए, क्योंकि प्लाजो है, ढीला ढाला अच्छा लगता है मुझे। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। मैंने यहाँ पे 14 इंचेस लिया है और ये 2 इंचेस पर मार्किंग कर दी है नेफा फोल्ड करने के लिए। यहाँ पर सेल्वेज है इसलिए मैं पूरा 2 इंच फोल्ड कर सकती हूँ। अगर सेल्वेज नहीं होती तो 1/2 इंच हम अंदर फोल्ड करते और 1.5 इंच में हम नेफा फोल्ड करते। अब यहाँ से क्रॉच लेंथ जो है वो हमारी 17 इंचेस आएगी फोल्ड करने के बाद। अगर हम फोल्ड को खोल देंगे तो वो 19 इंचेस या 19.5 आएगी। 2 इंच हम क्रॉच लेंथ के लिए लगा देंगे मार्किंग और एक उस लाइन को ऊपर तक ड्रॉ कर लेंगे। और यहां से कर्व बना देंगे हम। अब यहां पे हम पोंचे की मार्किंग करेंगे। तो 13 मेरा रेडी है तो मैं 14 इंचेस लूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कम फिटिंग वाला पहनना है तो आप कम कर लीजिए, और लूज पहनना है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ 14 इंचेस लिया है, सिल्क है वो 13 आ जाएगा। अब इस पोंचे के मेजरमेंट से क्रॉच लाइन के मेजरमेंट तक हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसको हम कट करके अलग कर देंगे।
ये प्लस साइज के लिए प्लाजो है, आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसको कट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेल्वेज है, इसकी वजह से मैं डायरेक्टली इसको फोल्ड कर सकती हूँ, पूरा 2 इंच मेरा चला जाएगा। उसी तरह हम यहाँ पर भी इसको एक ही बार फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड नहीं करेंगे। अगर सेल्वेज नहीं होती तो हम इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से बनाते। अब दोनों पीसेस को हम अलग कर लेंगे। ये देखिए, ये एक साइड की क्रॉच लाइन है, तो हम एक के ऊपर एक राइट फेसिंग टू राइट करते हुए फैब्रिक को रख लेंगे और सबसे पहले क्रॉच एरिया को स्टिच कर लेंगे इस तरह से। इसको स्टिच करने के बाद हमारा कपड़ा एक हो जाएगा तो हमें नेफा बनाने में आसानी होगी। यहाँ से स्टिच हो जाएगा, अब आप यहाँ से नेफा फोल्ड कर लीजिए। माला या फिर इलास्टिक डालने के लिए यहाँ पे एक होल छोड़ना पड़ेगा, तो वहाँ पे आप छोटा सा स्टिचिंग डबल फोल्ड करके फोल्ड कर लीजिए और इस तरह से नेफा बना लीजिए। अगर सेल्वेज नहीं है तो आप 1/2 इंच अंदर फोल्ड करके नेफा बनाइए और दूसरे एंड पर भी हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे, फिर नेफा बनाएंगे। देखिए मैंने एक साइड की क्रॉच लाइन को स्टिच कर लिया है और नेफा बना लिया है। अब दूसरी तरफ की क्रॉच लाइन को स्टिच करना है, ऊपर से 1.5 इंच का हिस्सा छोड़ते हुए। ये देखिए, ये क्रॉच लाइन एक साइड की, ये देखिए नाड़ा पास करने के लिए मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके अंदर फोल्ड किया है और नेफा बना दिया है। इसी तरह दूसरे साइड भी मैंने कर दिया है। पोंचे में मैंने फ्रॉक की पट्टी जो बची हुई थी फ्रॉक की कटिंग के बाद उसी को लगा लिया है। लंबी स्ट्रिप बना ली पहले उसको और फिर मैंने उसको अटैच करके बाहर की तरफ फोल्ड कर दिया है। आप चाहे तो लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, उसी कपड़े को आप फोल्ड कर दीजिए। ये दूसरी तरफ का क्रॉच लाइन स्टिच करना है। ये देखिए, दूसरी तरफ की क्रॉच लाइन स्टिच करने के बाद मैंने प्लाजो को उसका शेप दे दिया है। ये सीधी तरफ से है, राइट फेसिंग है ये। जब हम स्टिच करते हैं तो उसको रॉन्ग फेसिंग करके स्टिच करते हैं। अब बस ये जो वी शेप दिख रहा है अपसाइड डाउन, हमें इसको ही स्टिच करना है और हमारा प्लाजो रेडी हो जाएगा। पोंचे की जो लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा प्लाजो सिल गया है, बहुत ही कम टाइम में सिलता है ये। और नीचे मोरी के पास पट्टी जो लगाई है मैंने, स्ट्रिप जो येलो कलर की लगाई है, उससे लेंथ बढ़ेगी तो स्लाइटली बढ़ेगी, पर मैंने इस कपड़े को, कॉटन के कपड़े को वॉश नहीं किया था तो इसलिए मैंने उसको बड़ा कर दिया। कॉटन का कपड़ा थोड़ा सा श्रिंक होता है वॉश करने के बाद। ये देखिए, इलास्टिक या फिर आप अंदर नाड़ा लगा देंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से बना है और बहुत ही कम टाइम में बना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।